यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और भाई आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं भाई रोब हीरो वॉइस टाउन। गाइस आप लोगों ने विलन के लास्ट वीडियो के एपिसोड में देखा ही होगा। नहीं गाइज, रोब हीरो गए था एविलन के स्कूल में टिप्सन बोस के छोटे से बेबी को छुटाने के लिए। बट वहाँ क्या हुआ था, उस एविलन ने गाइज रोब हीरो को भी मार डाला था। बिकॉज गाइज एविलन तो है ही है गाइज, उसके साथ दो बड़े बड़े चिकन बॉडी बिल्डर भी आए हुए हैं। तो गाइज आज हम उस गेम को स्किप करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। गाइज वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी धमाकेदार वीडियो देखने के लिए। गाइज अभी तो मैं फाइनली टिप्सन बोस के घर आ चुका हूँ। बट ओ भाई साहब ये क्या हुआ, एक सेकेंड गाइज, टिप्सन बोस तो मुझे यहीं पर मिल गया। अरे टिप्सन बोस तुम अपनी छत पे खड़े हुए क्या कर रहे हो? फिर के बच्चे इतने दिन पहले भेजा था मैंने अपनी बेबी को छुटाने के लिए और तू अभी तक मेरे बेबी को भी नहीं लाया। रो फिर मैं देख रहा हूँ मेरा बेबी कब आएगा और वो एविलन की बच्ची हमारे वाइस टाउन से कब भागेगी। अरे टिप्सन बोस उस एविलन की बच्ची को तो मैं मार डालता, लेकिन उसके साथ तीन तीन मोटे मोटे चिकन बॉडी बिल्डर आए हुए है और वो तो चिकन बहुत खतरनाक है। उस एविलन से भी ज्यादा खतरनाक हुए बॉडी बिल्डर चिकन है टिप्सन बोस, लेकिन आज मैं तेरे बेबी को छुटा कर ही ले आऊंगा। अभी टिप्सन बोस जल्दी से नीचे चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है उस एविलन के घर जाने के लिए। अभी जल्दी से बताओ मैं उसके घर कैसे जाऊंगा, मेरे पास तो यहाँ पर कोई कार भी नहीं है। अबे रो पीरो के बच्चे, अगर तू आज मेरी बेबी को नहीं छुटा के लाया तो मैं तुझे वाइस टाउन से मार मार के भगा दूंगा। और देख मेरी कार भी इधर ही खड़ी है, अभी तू जल्दी उससे चला जा और उसको छुटा कर ला। अभी जल्दी से जा रो पीरो और उन सबको बिना मारा आएंगे तो मैं तेरी पैंट बजा दूंगा। अरे अरे ठीक है टिप्सन बोस, आज तुम उसकी पैंट बजा दूंगा। तो अभी गाइस हमें यहाँ पर टिप्सन बोस की कार मिल चुकी है, तो गाइस जल्दी से मैं इस कार को लेता हूँ और फटाफट से गाइस एविलन के स्कूल में चलते है एंड उसकी बैंड बजाते है। चिंटू हट जा वरना मैं तुझे आज ठोक दूंगा। फिर हम मत जाना, एविलन तेरी बैंड बजा देगी। ओके भाई ले तू चला जा, भाई जा। अभी तो सबसे पहले मैं तुझे ठोकूंगा, मेरी बैंड बजवाएगा तू पहली फुर्सत में निकाल। गाइस अभी मैं एविलन के स्कूल में पहुंचने वाला हूँ और गाइस आज उस एविलन को और उसके जो मोटे मोटे चिकन बॉडी बिल्डर है गाइस उन सबकी मैं बैंड बजाने वाला हूँ। तो अभी गाइस फटाफट से ना जल्दी से चलता हूँ स्कूल में और गाइस आज हम वहाँ से स्किप होते हैं। तो गाइस ये है टिप्सन का वो छोटा सा बेबी गाइस जिसको मैं यहाँ से स्किप करना है। गाइज पिछली बारी क्या हुआ था गाइज, ना तो मुझसे एक गन रेडी हुई थी जो कि गाइज ये है और गाइज ना ही मुझसे बेबी को स्किप किया गया था और उसी विलन ने और चिकन ने। ओ भाई गाइज यार तू इधर ही पड़े। ओ भाई मैं इधर कहाँ घुस जा रहा हूँ भाई साहब, अभी तो मुझे मार ही डालते हैं। तो फटाफट से अपने जल्दी से ना मैं सेफ्टी रूम में चलता हूँ जहाँ पर मैं बिल्कुल सेफ रहता हूँ। यहाँ पर गाइज विलन नहीं आ सकती, ना ही वो मोटे मोटे सांड कहीं के चिकन आ सकते हैं। तो फाइनली गाइज सबसे पहले ना अपने इस गन को इस मैप पर रखता हूँ और सबसे पहले इस गन को रेडी करते है, क्योंकि गाइज पिछली बारी क्या हुआ था, ना तो गाइज मैंने इस गन को रेडी किया था और वो तो गाइज इविल नन और चिकन गाइज मेरे ऊपर अटैक ही कर चुके थे, लेकिन आज मैंने गाइज अपने गन को रेडी कर लिया है। और गाइज अभी फटाफट से ना इसको लेकर के चलता हूं ऊपर और गाइज इसमें जो एग्स रखे होते हैं ना चिकन्स के उनको गाइज इस गन में लोड करके लाना है। लेकिन गाइज अभी ये गन बिल्कुल रेडी नहीं हुई, फटाफट से सबसे पहले तो मैं एग्स को लोड करता हूं और तभी गाइज मैं आप लोगों को बताता हूं ये गन हमारी कैसे रेडी होती है। तो जल्दी से गाइज मैं ये एग्स को लोड कर लेता हूं, जल्दी से हो जाए भाई इविल नन ना जाए बस। ऑलरेडी गाइज मेरी गन में ना यहां पर 5 एग्स लोड हो चुके हैं और गाइस अभी मैं जल्दी से इस गन को लेकर नीचे चलता हूँ। और गाइस अभी ये एग्स जो है ना अभी गाइस कुछ वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि गाइस अभी ना हमें इन एग्स को बनाने होंगे पॉइजन वाले एग्स है गाइस, कुछ वायरस वगैरह पता नहीं गाइस कैसे बनेंगे। लेकिन सबसे पहले तो गाइस मैं यहाँ से ना इसको शटर को ओपन करता हूँ एंड ये रास्ता जाता है गाइस गार्डन में। तो फटाफट से गार्डन में चलते हैं और वहां से गाइस हमको पता चलने वाला है इन एग्स को हम पॉइजन वाले एग्स कैसे बना सकते हैं। तो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ गार्डन में और यहाँ से गाइस थोड़ा बहुत चेक करते हैं ताकि गाइस हम यहाँ पर कुछ सामान मिल जाए या गाइस हमें कुछ पता चले कि गाइस हमें यहाँ पर जो एग्स है ना उनको पॉइजन वाले एग्स कैसे बना सकते हैं। भाई ये तो रास्ता मुझे कुछ अलग ही लग रहा है, फटाफट से इधर को चलता हूँ मैं एंड गाइस यहाँ से ना मुझे एक सामने घर तो दिखा है, सबसे पहले गाइस इसके अंदर चलते हैं एंड यहाँ पर तो गाइस पता नहीं मुझे यहाँ पर तो कुछ नहीं मिला और इधर तो कुछ रखा है गाइस। ओ भाई साहब गाइस मुझे यहाँ पर यार क्रॉप मिला है गाइस, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, लेकिन गाइस ये जो है ना इसमें गाइस हमें कुछ लोड करना है आई थिंक गाइस ऐसा ही कुछ होगा। इसमें चेक करता हूँ, इसमें तो गाइस बैटरी रखी है और ये बैटरी पता नहीं गाइस कहाँ पर काम आने वाली है। तो अभी गाइस मैं यहाँ से बाहर चलता हूँ और गाइस पता नहीं इसका क्या करूंगा यार मैं। और एक सेकंड गाइस इधर कुछ रखा है 4 ड्रॉप ऑफ वाटर, 4 ड्रॉप ऑफ इंक और गाइस 4 ड्रॉप ऑफ ग्रीन पोशन, मतलब की गाइस 4 ड्रॉप वाटर और 4 ड्रॉप इंक और 3 ड्रॉप ग्रीन पोशन इसमें गाइस लोड करना है। और गाइस वहां पर जाकर ना हमें कहीं ना कहीं गाइस इसको रखना है एंड मुझे लग रहा है गाइस कुछ ना कुछ रेसिपी बनानी है जिससे की गाइस हम लोग ना और गाइस तभी हम एग्स को पॉइजन वाले बना पाएंगे एंड तभी गाइस हम ना इविल नन को
और उस चिकन को सूट कर पाएंगे। तो फाइनली गाइस अभी मैं ना जल्दी से चलता हूँ क्लासरूम में, क्योंकि गाइस ये सारी चीज़ें ना मुझे जैसे कि गाइस वाटर, इंक और गाइस ग्रीन पोशन, वो सब कुछ गाइस मुझे क्लासरूम से मिलने वाले हैं। तो फटाफट से गाइस अभी इधर, ओ भाई गाइस इधर तो साउंड हो गया और मुझे लगता है गाइस वो इविल नन्ना इधर आती होगी। अभी तो फटाफट से गाइस मैं जा करना यार, लेकिन अभी मैं वाटर कहाँ से ढूंढूँ? पानी तो गाइस मुझे इधर ही मिलना चाहिए, क्योंकि गाइस सारी जगह पर और टॉयलेट सब कुछ इधर ही है, तो पानी भी इधर ही होना चाहिए यार इधर। ओ भाई ऑलरेडी गाइस पानी तो मुझे मिल चुका है, तो अभी फटाफट से पानी को लोड करते हैं। एंड गाइस ये मुझे ना किसी ना लैब में ले जाकर रखना होगा। हाँ गाइस ये सारे काम जो है ना लैब में ही होते हैं, तो फटाफट से मुझे भी लैब को देखना है, क्योंकि गाइस ये सारे वर्क जो है ना लैब में होते हैं। बट इसको डोर को क्या होता भाई, ये तो खुल ही नहीं रहता यार। और गाइस अभी फटाफट से ना मैं साइंटिस्ट लैब में चलता हूँ, और सबसे पहले तो गाइस मैं क्लासरूम में भी चेक कर लेता हूँ यार, लेकिन मुझे वो लैब कहाँ पर मिलेगा? तो फाइनली गाइस अभी ना इधर तो सारी डेस्क में चेक करता हूँ, इधर तो गाइस मुझे कुछ नहीं मिला। और गाइस मुझे लग रहा है आगे एक और क्लासरूम है, तो फटाफट से गाइस मैं इसमें ही चलता हूँ। ओ भाई साहब गाइस ऑलरेडी मुझे गाइस लैब मिल चुकी है। तो गाइस 4 ड्रॉप ऑफ वाटर, तो जल्दी से गाइस मैं ना 4 बूंद इधर पानी की डालता हूँ। एंड गाइस फटाफट से ना इधर सब चलता हूँ मैं, क्योंकि गाइस मैंने ऑलरेडी 4 ड्रॉप वाटर की डाल दी है। और गाइस अभी मुझे ग्रीन पोशन और गाइस मुझे इंक को ढूंढना है, पता नहीं वो मुझे कहाँ पर ही मिलने वाले है। इन सारी अलमारियां में चेक कर लेता हूं फटाफट से गाइस जल्दी से ना यार, कहीं वो इविल नन ना आ जाए। बस गाइस इधर इविल नन बहुत कम आती है, आई थिंक गाइस वो जो है ना चर्च में, और जस्ट गाइस एक एटिक का एरिया होता है वो गाइस उसी में सबसे ज्यादा रहती है। इधर तो गाइस वो तब आती है गाइस जब हम यहां पर कोई साउंड कर देते हैं, या गाइस पता नहीं वो चिकन ना आ जाए। बस गाइस वो चिकन ना सारे एरिया में फिरता है। और इधर तो गाइस अलमारी में ना मुझे कुछ नहीं मिला भाई, पता नहीं गाइस अभी मुझे इंक और ग्रीन पोशन कहां से मिलेगा। गाइस मैंने लगभग यहां पर सारे लॉकर्स को चेक कर लिया है, और पता नहीं, ओ भाई साहब फाइनली गाइस मुझे यहाँ पर ग्रीन पोशन मिल चुका है। तो अभी गाइस जल्दी से मैं इसको उठाता हूँ और फटाफट इसको लैब में लेकर चलता हूँ। बट गाइस इसकी कितनी ड्रॉप थी गाइस वो तो मैं भूल ही गया, एक सेकेंड गाइस। 4 ड्रॉप तो गाइस वाटर था, एंड गाइस 4 ड्रॉप था इंक। गाइस ये जो 3 ड्रॉप गाइस ये मेरे को ना ग्रीन पोशन 3 ड्रॉप डालनी है। एंड यहाँ पर तो गाइस काफी सारी बेंचेस रखी है, अभी गाइस फटाफट से ना इनको सबको एक एक करके यार, लेकिन सबसे पहले ना गाइस मैं इसको ना ग्रीन पोशन को लेकर चलता हूँ। आई थिंक कि ये रास्ता मुझे याद रहेगा। गाइस ये रास्ता जो है ना पूरा गाइस सेम लगता है, कोई सा भी देख लो गाइस सब एक जैसा ही है। तो फटाफट से गाइस मैं इधर से ना इस ग्रीन पोशन को लेकर निकलता हूँ, और वो पता नहीं अभी मैं गाइस उसका रास्ता ही भूल गया, कहाँ पर है मेरी लैब का रास्ता यार। ओ भाई इधर, ओ भाई साहब गाइस मेरी बगल में लैब है और मैं सब में देखते फिर रहा हूँ। तो फाइनली गाइस अभी फटाफट से ना इस ग्रीन पोशन की 4 ड्रॉप डाल देते हैं, लेकिन गाइस अभी मैं अपना ग्रीन पोशन गाइस उस मशीन में डाल देता, तो फटाफट से गाइस ग्रीन पोशन की ना 3 ड्रॉप इसमें डालते हैं। ओके तो अभी गाइस, तो फाइनली गाइस अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ ढूंढ कर लानी है गाइस इंक। पता नहीं गाइस इंक मुझे कहां पर मिलेगी, लेकिन गाइस अभी मैंने जो क्लासरूम्स देखे थे ना गाइस, मुझे लग रहा है मुझे वो इंक ना उधर से ही मिलने वाली है। तो बस वो इविल नन गाइस अभी ना जाए बस, क्योंकि गाइस मेरा एक काम बचा है, और गाइस बाकी की तो ऑलरेडी गाइस मुझे यहां पर गाइस इंक भी मिल चुकी है। तो अभी फटाफट से गाइस इसको भी उठाता हूं मैं, एंड गाइस अपना जो है ना गाइस वो रेसिपी बन के गाइस रेडी हो जाएंगी। एंड गाइस इसको उठा करना हम फटाफट से गाइस उधर चलेंगे जहां पर गाइस एक और होली वाटर रखा होता है। लेकिन गाइस, ओ भाई साहब इविल नन की बच्ची, ओ भाई अभी गाइस फट, ओ भाई साहब गाइस ये अंधी है क्या भाई, इसने मुझे नहीं देखा, मतलब कि ओ भाई अभी गाइस मैं बाल बाल ही बचाऊ। लेकिन गाइस अभी फटाफट से ना अपने गाइस इंक को ना फटाफट इसमें डालता हूँ, एंड 4 ड्रॉप। ओके गाइस अभी ना अपनी रेसिपी बनकर रेडी है, तो फटाफट से गाइस मैं इसको उठाता हूँ। एंड गाइस इधर साउंड होगा, इससे पहले कि गाइस वो इविल नन इधर आए मैं इधर से भाग ही जाऊँगा। एंड गाइस इसको ना इस रेसिपी को गाइस मुझे लेना ले जाना है चर्च में, और गाइस चर्च से यहाँ पर कुछ मुझे लग रहा है कुछ होने वाला है। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ से निकल कर गाइस पहुँच जाता हूँ अपने सेफ्टी रूम में, क्योंकि गाइस मैं वहीं पर सेफ हूँ, यहाँ पर तो गाइस मुझे कोई भी मार सकता है। तो फाइनली गाइस अभी ना मैं अपने सेफ्टी रूम में आ चुका हूँ, और गाइस सबसे पहले ना गाइस इस रेसिपी को ले जाना है मुझे चर्च में। और गाइस ऑलरेडी गाइस चर्च का रास्ता इधर से है, तो फटाफट से गाइस चर्च का जो गेट ओपन करता हूँ। तो ओके गाइस अभी ना फटाफट चर्च में पहुँचने वाले हैं। एंड गाइस इस पोजिशन को, मतलब कि गाइस इस रेसिपी को उसमें डालना है गाइस वाटर में। ओ भाई लेकिन गाइस ये इविल नन की बच्ची तो इधर ही है, और मुझे लग रहा है गाइस वो मुझे देखने से, ओ भाई गाइस इधर साउंड हो गया, अभी तो मुझे इधर से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि गाइस वो ना ही भी लन की बच्ची मुझे मार डालेंगी। तो फटाफट से गाइस अभी ना अपनी गन को भी उधर ही लेकर चलता हूँ, क्योंकि गाइस मुझे जो एग्स जो है ना उस पोजीशन में जो बनेगा ना गाइस उसमें एग्स भी डालना है, तभी गाइस ये एग्स पॉइजन वाले बनेंगे, तभी गाइस हम इनको ओ भाई ये तो गाइस दोनों के दोनों इधर ही घूम रहे हैं, और मुझे लग रहा है गाइस अभी ना फटाफट से मुझे देख नहीं पाएगी, और मैं इसको गाइस अपनी रेसिपी को ना ले जाकर उस वाटर में डाल दूंगा। लेकिन
लेकिन मुझे लग रहा है गाइस इस इविल नन, ओ भाई नहीं, ओ तेरी की भाई, ओ भाई नहीं 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 इविल नन की बच्ची, ओ भाई साहब यार इसने मुझे देख लिया था, मतलब कि यार ओ शिट यार ये क्या हो गया यार, मतलब कि ऐसी गाइस बिना फालतू में अपना एक दिन खराब हो गया। तो फटाफट से गाइस अभी मैं चर्च में चलता हूँ, और गाइस मेरी गन भी, और गाइस वो रेसिपी उधर ही रखी होगी। फटाफट से गाइस अपनी गन को रेडी करता हूँ मैं, एंड इन दोनों की तो गाइस इन चिकन्स की एंड इस एविल नन की तो गाइस बैंड बजाता हूँ मैं। तो फटाफट से गाइस चर्च में चलते हैं, और गाइस बस मेरी जो रेसिपी है ना उस एविल नन ने गाइस उठा कर कहीं धुक्का ना दियो, मतलब कि गाइस उठा कर किसी और जगह ना रख दियो। तो ओ भाई गाइस ये तो इधर ही पड़ी है, एंड अभी बस गाइस इसको चर्च में लेकर चलते हैं, बस अभी वो एविल नन और वो चिकन का बच्चा गाइस इधर ना हो। और फाइनली गाइस अभी मैं आ चुका हूँ, गाइस ये वाटर ये है। तो फाइनली अभी जल्दी से अपनी गन को उठाकर लाता हूँ, एंड गाइस गन के जो एग्स है उसको इधर शूट करता हूँ एंड दोबारा लोड करता हूँ, और गाइस अपनी गन रेडी हो जाएंगी। हाँ गाइस ऐसे गन रेडी होती है तब गाइस हम उस एविल नन को और चिकन्स को मार सकते हैं। तो फाइनली गाइस अभी तो वो एविल नन ना हो, बस इधर गाइस मेरा बाकी का एक काम बचा है, और बस गाइस ऑलरेडी गाइस मेरी गन रेडी हो चुकी है, और अभी इन चिकन्स और एविल नन की तो गाइस मैं बैंड बजा दूंगा। और अभी कहां पर एक साउंड करता हूँ तभी गाइस वो दोनों भागे भागाएंगे एंड उनको तो मैं सोट ही कर दूंगा। ओ भाई चिकन तो गाइस आ चुका है, इस चिकन की तो आजा भाई तेरी तो मैं बैंड बजा दूंगा, पहली फुर्सत में निकल। और गाइस अभी वो एविल नन भी गाइस आती होगी, और इस गन से गाइस हम उसकी भी बैंड बजा देंगे। ओ भाई साहब गाइस एविल नन तो भागे भागे आ रहे हैं, लेकिन इसको पता नहीं है मेरे पास कितनी खतरनाक गन है। ये ले भाई पहली फुर्सत में तू भी निकल। तो फाइनली गाइस अभी मैंने गाइस इन दोनों को मार डाला, और गाइस लेकिन अभी मेरे जो पीछे एक बॉक्स रखा है ना गाइस उसमें कुछ तो था, मतलब कि गाइस मैंने चेक करा था कि गाइस उसमें कुछ पैटर्न टाइप का। एंड अभी तो गाइस लेकिन सबसे पहले ना उन दो चिकन्स को मार के आता हूँ जो गाइस अंदर होते हैं। हाँ गाइस वो तो इनसे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो अभी फटाफट से गाइस मैं इनका जो मेन रूम है ना, मतलब कि गाइस एविल नन का जो रूम है ना उसमें ही चलता हूँ, क्योंकि गाइस वो चिकन्स ना हमेशा उधर ही होते हैं। एंड अभी ओ भाई एक तो गाइस इधर ही मिल चुका है, तो ये लो गाइस इसकी तो मैंने बैंड बजा दी। एंड गाइस वो दूसरा नमूना भी इधर ही होगा, उसको भी गाइस मुझे शूट करना है, तभी गाइस ये वापस से जिंदा नहीं हो गए, और गाइस हम इजीली यहाँ से स्किप हो सकते हैं। और भाई ये भी आ चुका है गाइस, इसको भी मैंने इसकी तो बैंड बजा दूं। ओ भाई गाइस ये तो गलती से मिस, ओ नहीं नहीं भाई हो गया भाई, मैं समझा गाइस ये इसके लगा नहीं, लेकिन गाइस इसके पड़ चुका था। और गाइस अभी बस यार देखा आप लोगों ने, इनको तो मैंने मार डाला बस अभी। ओ भाई साहब ये तो गन इसके लग गई, मुझे मेरे पापा के पास लेके चलो। तो अभी गाइस इन सबको तो हमने मार डाला, एंड गाइस अभी ना इधर से बस हमें सिर्फ और सिर्फ स्किप होने का रास्ता देखना है। एंड गाइस इधर कुछ पैटर्न है जो कि गाइस था 9804, और मुझे लग रहा है गाइस वो पैटर्न हमें कहीं एंटर करना है। तो फटाफट से गाइस मैं इधर से निकलता हूँ, एंड गाइस मुझे पता है चर्च पे कुछ पेठी टाइप का कुछ रखा था, मुझे लग रहा है गाइस ये पैटर्न ना हमें वहां पर लगाना है, एंड गाइस वहां से हमें कुछ ना कुछ तो मिल सकता है। तो फटाफट से गाइस चर्च में चलता हूँ, और जल्दी से गाइस इस पैटर्न को ना उधर लगाता हूँ। गाइस उधर ना एक पेठी रखी थी जहां पर गाइस मैंने उस एविल नन को और चिकन को मारा है। तो फाइनली गाइस अभी मैं इधर आ चुका हूँ, और जल्दी से गाइस इस पेटी में ना वो पैटर्न डालता हूँ। गाइस वो पैटर्न नंबर मुझे अभी भी याद है, उस पैटर्न नंबर था गाइस 9804, तो 8 and 0 and 4 गाइस 4 और रखना है हमको। ऑलरेडी गाइस ये हमारा लॉक जो है ना खुल चुका है, और यहाँ से गाइस मुझे क्या मिलता है गाइस यहाँ से, तो ओ भाई ये क्या यार। चलो गाइस अभी मुझे लग रहा है ना इसी से भी गाइस हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो फटाफट से गाइस मैं ऊपर चलता हूँ, एंड गाइस यहाँ पर ना ओ भाई यहाँ पर गाइस कोई सिस्टर बेटी होती है जो कि गाइस यहाँ की सिक्योरिटी होगी, और गाइस मुझे लग रहा है इसको ना आइसक्रीम का बहुत ही शौक है, और भाई दोनों हाथों से खाई जा रही है। मुझे तो लग रहा है गाइस मुझे इसके साथ कुछ ना कुछ तो करना है, तभी गाइस ये मुझे चाबी देंगे। एंड गाइस अभी तो मैं उसको वहाँ फेंकता हूँ, और गाइस सबसे पहले गाइस मैं चलता हूँ और एरियो में, क्योंकि गाइस अभी मैंने सिर्फ 3 एरिया कवर किए हैं, मतलब कि गाइस एक चर्च का और एक क्लासरूम और एक गार्डन। गाइस अभी एक एरिया बाकी है जो गाइस एटिक का एरिया है, उसमें गाइस फटाफट से चलता हूँ। और लेकिन एक सेकेंड गाइस यार इस एटिक के एरिया में ना, ओके गाइस इस एटिक के, ओ भाई कहाँ पर है यार वो, गाइस ये रहा एटिक का एरिया, बट गाइस इधर जो है ना ब्रोकन रूलर नहीं लगा हुआ है गाइस, उसी से हमारा गेट जो है ओपन होगा। और गाइस अभी मुझे लग रहा है ना कि गाइस मैंने क्लासरूम जो है ना अच्छे से चेक नहीं करी थी, और गाइस मुझे और भी वहां से बहुत कुछ मिल सकता है। फटाफट से गाइस मैं एक बार और उधर चलता हूँ, एंड गाइस जल्दी से ना उसको गाइस मैं गेट ओपन करने वाले जो आइटम्स था गाइस उसको ढूंढता हूँ। एंड गाइस जल्दी से ना यार कहाँ पर होगा गाइस, फटाफट से क्लासरूम में चलता हूँ। एंड गाइस यार वो तो मुझे इधर कहीं मिल सकता है, तो यार अभी तो गाइस फटाफट से ना इधर ओ भाई साहब गाइस फाइनली मुझे गाइस ये मिल चुका है ब्रोकन रूलर, और गाइस इसको मैं लेकर चलता हूँ। एंड गाइस वो एटिक का एरिया को ओपन करता हूँ, सबसे पहले तो गाइस मैं यहाँ से ना सारी डेस्क मैंने चेक नहीं करी,
क्या मैंने चेक नहीं कर दिया ये गाइस, उस इविल ने दोबारा से इसको बंद कर दिया। तो फटाफट से गाइस, ओ भाई इधर गाइस मुझे कुछ ग्लासेस मिले हैं और गाइस मुझे लग रहा है इसका कुछ यूज होगा। तो फटाफट से गाइस उसको तो मैंने उस उधर ही डाल दिया था जीने पर, और गाइस इस ग्लासेस को भी मैं इधर ही डाल देता हूँ। एंड जो अपना ब्रोकन रूलर है गाइस, इसको उठाकर फटाफट से मैं उधर लगाता हूँ और अटैक एरिया को ओपन करते हैं। एंड गाइस वहां से ना कुछ तो हमें मिलने वाला है। तो ऑलरेडी गाइस फाइनली मैं इधर आ चुका था और गाइस मैंने एटिक का एरिया भी ओपन कर दिया और गाइस पहुंचने वाले हम एटिक में। तो फाइनली गाइस अभी जल्दी से एटिक में चलते हैं और वहां से तो गाइस कुछ ना कुछ तो मुझे मिल सकता है। मिलना क्या गाइस, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक की चाहिए और गाइस उसी से हम स्किप हो सकते हैं। बट गाइस वो जो की है ना वो सिस्टर के पास है और उससे गाइस यहाँ से की लेना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है। तो फटाफट से गाइस इसको पॉसिबल करते हैं एंड देखते हैं गाइस वो हमको की कैसे देंगी। एंड यार यहाँ पर तो गाइज यहाँ पर मुझे लग रहा है एक सेकेंड गाइज, दो चीज़ तो गाइज मुझे मिली हुई है ऑलरेडी। यहाँ पर गाइज बैटरी लगेगी एंड गाइज यहाँ पर ग्लासेस लगेंगे, जो कि गाइज मैं अभी जो ग्लासेस मुझे मिले थे वो गाइज जीने में पड़े हैं। एंड गाइज बैटरी जो है ना वो गाइज यहाँ पर थी। तो ऑलरेडी गाइज मैं यहाँ आ चुका हूँ गाइज गार्डन वाले एरिया में। तो फाइनली लेकिन अभी इस बैटरी को निकालूँ कैसे, ओ भाई गाइज यहाँ पर तो प्लाइट्स भी रखे हैं। ऑलरेडी गाइज अभी अपना काम ईजी हो चुका है। तो सबसे पहले तो गाइज इस एक सेकेंड गाइज, सबसे पहले ना मुझे यहाँ की जो सारी लाइट्स है ना सारी ऑफ करनी होगी, वरना गाइस क्या होता है जैसे हम बैटरी को निकालते हैं ना गाइस वो सब कुछ ब्लास्ट हो जाता है। तो गाइस मैंने यहाँ पर दो लाइट्स ऑफ कर दी एंड तीसरी भी ऑफ कर दी एंड चौथी भी। तो फाइनली गाइस यहाँ पर चार लाइट्स थी जो कि हमने ऑफ कर दी है। एंड गाइस अभी हम इजिली वहां से ना वो बैटरी निकाल सकते हैं और गाइस वहां पर इसको ले जाकर ना एटिक में लगाते हैं। ऑलरेडी गाइस बैटरी तो मैंने निकाल ली है एंड गाइस सबसे पहले ना जल्दी से मैं एटिक में चलता हूँ। तो ऑलरेडी गाइस मैं इधर आ चुका हूँ और गाइस सबसे पहले तो गाइस मैं इधर बैटरी लगा देता हूँ। एंड गाइस ऑलरेडी वो लग जा भाई साहब, लग चुकी है गाइस बैटरी। एंड गाइस अभी मुझे उस ग्लासेस को लाना है उठाकर और गाइस वो पड़ा था उधर जीने पे। तो फाइनली गाइस अभी हम फटाफट से ना यहाँ पर वो ग्लासेस लगेंगे। तो ऑलरेडी गाइस उसको भी मैं लेकर के आता हूँ। फाइनली गाइस चलता हूँ क्लास रूम में और गाइस वो क्लास रूम की तो पहाड़ियों पर ही पड़े हैं और उन ग्लासेस को उठाकर ना गाइस जल्दी से अपने कैमरे वाली मशीन में लगाते हैं। एंड गाइस उधर से तो हमें कुछ दिखने वाला है गाइस, ताकि गाइस हम लोग ना जल्दी से जल्दी यहाँ से स्किप हो जाए। तो ऑलरेडी गाइस मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और गाइस जो मेरे ग्लासेस थे ना वो गाइस मैंने यहीं पर ड्रॉप कर दिए थे और गाइस मैं इसको उठाता हूँ। एंड उठ जा भाई जल्दी से और गाइस इसको ले जा करना इस मशीन में लगाता हूँ। एंड गाइस अभी देखते क्या ही होता है। तो फाइनली गाइस अपने ग्लासेस रेडी हो चुके हैं एंड गाइस बैटरी भी लग चुकी है। ओ भाई गाइस इधर से मुझे कुछ तो करना है, एक सेकेंड गाइस। ओ भाई साहब गाइस मुझे पता चल चुका है अभी क्या होगा। गाइस मैंने जो यहाँ पर ना ये मशीन ओपन करी है गाइस, हम यहाँ से ना उसको देख सकते हैं उस सिस्टर को। एंड गाइस सबसे पहले मैं चलता हूँ चर्च में, क्योंकि गाइस अभी मुझे ना उसको कंफ्यूज करना है। तो सबसे पहले गाइस मुझे चर्च में जाना पड़ेगा और गाइस वहाँ से उसकी बेल बजानी है। एंड गाइस जो आइसक्रीम खा रही थी ना गाइस, हमें एक डंडी टाइप का चर्च में मिला था एक पेटी में से, जहाँ पर गाइस हमने लॉक को तोड़ा था। उसी हड्डी टाइप की लकड़ी से गाइस हमको उसकी आइसक्रीम को नीचे गिर देना है। एंड गाइस जैसे वो बाहर आएगी गाइस, वो आइसक्रीम का बहुत शौक रखती है ना गाइस, वो जैसे ही आइसक्रीम लेने बाहर आएंगी हम गाइस उस पर शूट कर देंगे गाइस, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। और गाइस देखते हैं, हाँ हाँ बढ़िया करके खा ला आइसक्रीम, अभी तो इसकी बैंड बजने वाली है। तो फटाफट से गाइस अभी ना इसकी बेल को बजाता हूँ मैं। एंड गाइस ये सोचेगी नीचे से कोई आया होगा एंड अभी जाती होगी। अभी फटाफट से गाइस मैं ऊपर पहुंच चुका हूँ एंड अभी तो गाइस मैं इसकी आइसक्रीम को ना ये डंडी से अड़ा कर ना नीचे गिर देता हूँ। तो ओके गाइस अभी ना मैं इसको नीचे गिर देता हूँ। ओके गाइस अभी ना वो जैसे ही गाइस ऊपर आएगी तो उसको दिखेगा आइसक्रीम बिखरी हुई है और गाइस फिर वो नीचे जाएगी आइसक्रीम को खरीदने के लिए और गाइस हम वहां से उसको शूट कर सकते हैं, मुझे तो गाइस ऐसा ही लग रहा है। एंड गाइस अभी देखते हैं ऊपर चलकर। तो फटाफट से गाइस मैं इधर एटिक में आ चुका हूँ और गाइस अभी मैं फटाफट कैमरे में देखता हूँ क्या वो आइसक्रीम खरीदने गई है या नहीं। तो फटाफट से गाइस अभी मैं, ओ भाई इधर तो गाइस कोई भी नहीं आया, मुझे तो लग रहा है गाइस अभी हम इसको स्किप नहीं कर पाएंगे। तो यार अभी अभी तो गाइस, ओ भाई गाइस आइसक्रीम वाला इधर आ चुका है और अभी पता नहीं गाइस उसने भी बुलाया होगा आइसक्रीम खरीदने के लिए। गाइस अभी वो जरूर बाहर आएंगी। ओ भाई ये तो गाइस बेल बजाकर उसको बाहर बुला रहा है और गाइस अभी वो सिस्टर आइसक्रीम खरीदने के लिए बाहर जरूर आएंगी। एंड गाइस जैसे ये बाहर आएंगी हम गाइस इसको शूट करेंगे और गाइस नीचे जाकर उस की को उठाएंगे और यहाँ से स्किप हो जाएंगे, मुझे तो ऐसे लग रहा है। और भाई आ चुकी है सिस्टर। एंड ओ भाई ओ तेरी, ओ भाई साहब गाइस ये तो मैंने उस बल्ब पे शूट कर दिया और भाई इसकी की इधर नीचे गिर चुकी है और
और इधर से गाइस जा करना नाली में बहकर गाइस वो गार्डन वाली नाली में आ चुके है। और गाइस अभी इधर से जा करना हम गार्डन में जाते हैं और की को उठाते हैं एंड गाइस अभी फटाफट से हम गाइस इधर से स्किप हो जाते हैं। तो फटाफट से गाइस गार्डन में आ चुका हूँ मैं एंड गाइस वो की कहाँ पर मिलेगी अभी तो गाइस ये रास्ते से इधर से निकलता हूँ और गाइस वो की जरूर गाइस इधर ही मिलने वाली है। तो गाइस अभी मुझे पता नहीं क्या उस की को निकालने के लिए गाइस मुझे क्रोबार भी लाना होगा लेकिन अभी तो मुझे नहीं लग रहा क्योंकि गाइस वो की ना ऊपर ही पड़ी होगी। ऑलरेडी गाइस ये की तो अभी अंदर ही है एंड ओ भाई साहब गाइस इसको तो मैं ऐसे ही निकाल लेंगे। तो फाइनली गाइस ये अभी मेरे पास की आने वाली है तो ऑलरेडी गाइस अपनी की बाहर आ चुकी है और गाइस मैंने की उठा ली है एंड गाइस अभी फटाफट से जो मेन एरिया है ना जो इविलियन का घर है ना गाइस उसी के अंदर चलता हूँ एंड गाइस वहाँ से हम स्किप इजिली हो सकते हैं। तो फाइनली गाइस अभी मैंने टिप्सन के बेटे को ना टिप्सन के छोटे से बेबी को स्किप कर चुका हूँ और गाइस जल्दी से अभी ना इस की को ना उस गेट पर यूज करता हूँ और इस बेबी को तो भाई ये तो पता नहीं इसको क्या हो गया। ऑलरेडी गाइस इस की को मैं मेन गेट पर लगानी है और गाइस हम यहाँ से इजिली स्किप हो जाएंगे। तो फाइनली गाइस अभी बाहर चलता हूँ और गाइस वो गेट कहाँ पर होगा तो ऑलरेडी गाइस मुझे गेट दिख चुका है और गाइस अभी बस कुछ ऐसा ना हो कि इसके लिए भी गाइस मुझे दूसरी की भी लानी पड़े। तो ऑलरेडी गाइस अभी मैंने इस की को लगा दिया और भाई फाइनली भाई साहब गाइस ये की अपनी काम कर चुकी है और हम इधर से बाहर निकल चुके हैं। फाइनली गाइस हमने इस इविलन के स्कूल को स्किप कर ही दिया। ऑलरेडी गाइस देखा आप लोगों ने इस इविलन के स्कूल को स्किप कर दिया। तो भी बस आज की इस वीडियो में इतना ही। टाटा एंड बाय बाय।